Hello, students. Today we have to discuss on a new topic that belongs to the chapter Computer Networks. The device is a hub. HUB, hub. Hub is a device that controls the networking part. हम बात करते हैं हब की. हब एक तरीके से आने वाले सिग्नल्स को, जो डेटा सिग्नल्स कंप्यूटर के पास आते हैं नेटवर्क से, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने से आगे आने वाले सिस्टम्स को. जैसे यहाँ पर एक हब लगा हुआ है और ये कह रहा है मैसेज फॉर कंप्यूटर ए. यहाँ पर कंप्यूटर ए के लिए मैसेज आया है, तो ये कंप्यूटर ए को मैसेज भेजेगा. लेकिन अगर बी और कंप्यूटर सी की स्पीड को कम कर दे, इसका मतलब ये कंप्यूटर इन तीनों को आने वाली स्पीड अगर 150 है तो ये 50 में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. इसको हम हब डिवाइस कहते हैं. हब डिवाइस रिस्पॉन्स भी ऐसे ही करता है. अगर मैसेज ए के पास आया तो ये मैसेज ए को ही जाएगा, लेकिन अगर एक समय पर तीनों सिस्टम यूज कर रहे हैं तो स्पीड उनकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. अब ए से जो मैसेज आया था ए के पास, वो ए रिस्पॉन्स अगर उसका देना चाहे तो ए रिस्पॉन्स कैसे देगा? ए अपनी तरफ से मैसेज को दोबारा से भेजेगा. तो यहाँ पर इस वाले सर्किट में दिखाया गया है कि ए ने उसको रिस्पॉन्स दिया, मतलब जो मैसेज आया था उसको वापस हब को भेज दिया, और हब उस मैसेज को जहाँ से मैसेज आया था उस डायरेक्शन में भेज रहा है. तो मैसेजिंग एक जगह से दूसरी जगह किसी भी डिवाइस के थ्रू होती है, तो वो डिवाइस हब एक नेटवर्किंग डिवाइस की तरह से काम करता है, जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एक मशीन से दूसरी मशीन को भेजने का काम करता है. अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की. ये है स्विच डिवाइस. स्विच डिवाइस में सेम चीज़ दिखाई पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक समय में एक ही सिस्टम को डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब एट अ टाइम ये डेटा को एक ही जगह पर डिलीवर्ड करता है. जबकि इससे अगर B अटैच्ड हो और C अटैच्ड हो, तो अगर इसके पास 100 Mbps का डेटा आ रहा है तो A को भी 100 Mbps देगा, B को भी 100 Mbps देगा और C को भी 100 Mbps देगा. लेकिन ये टाइम शेयरिंग कर देता है. टाइम शेयरिंग का मतलब है कि एक समय में मैक्सिमम स्पीड आ रही होगी और दूसरे समय में इसे पल्स रेट डाउन कर देता है. सो रिसीव करना डेटा को सेम तरीके से, ये ए को डेटा को रिसीव करवाएगा, बी को डेटा को रिसीव करवाएगा, सी को, लेकिन एक समय में एक ही डेटा को रिसीव करवाता है. तो स्पीड डाउन नहीं होती, इसकी स्पीड कांस्टेंट बनी रहती है. 100 है तो 100 ही, आगे आने वाले सिस्टम को भी 100 जाएगा. हाँ, फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, स्पीड की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है. फिर बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की. ये डिवाइस राउटर है. राउटर क्या करता है? जो सिस्टम के आईपी एड्रेस को चेक करता है. आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल में वो एड्रेस जो किसी सिस्टम को नेटवर्क में जाने के लिए ज़रूरी होता है, मतलब अगर आप एक नेटवर्क से जुड़ना चाह रहे हैं तो आपके पास एक आईपी एड्रेस होना ही चाहिए. एक आईपी एड्रेस आपको किसी नेटवर्क में जुड़ने का मीडियम होता है, इसे हम नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं. वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं, ये चेंज भी हो सकता है. तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा डिवाइस लगा हुआ है राउटर. राउटर में एक यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट होती हुई दिख रही होगी. ये एक
वायर है जिसके थ्रू सिग्नल वायर जो डेटा को चारों तरफ फैला रहा है। इसे स्विच वन और स्विच टू को भेजता है, और स्विच वन अपने आगे आने वाले नेटवर्क को और स्विच टू अपने आगे आने वाले नेटवर्क को भेजता है। ये जो डॉट डॉट लाइन से आपको दिख रहा होगा, डॉट डॉट लाइन से, ये कहलाता है राउटर का वे। राउट मतलब होता है रूट, पाथ या दिशा। जो इसके पास डेटा आता है राउटर के पास, वो चेक करता है कि इस मैसेज को किस डायरेक्शन में भेजा जाए। पाथ चेक करता है कि ये स्विच वन के लिए डेटा है या स्विच टू के लिए डेटा है। अगर ये स्विच वन का डेटा होता है तभी वो इस पाथ पर, इस डेटा पाथ पर इसको भेजता है, और अगर ये स्विच टू का डेटा होता है तो वो इस डेटा पाथ पर इसको भेजता है। इस तरीके से ये डेटा ट्रांसफर होता है स्विच वन या स्विच टू के ज़रिए, और इसे हम राउटिंग ऑफ डेटा कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डेटा का पहुंचना। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं आज के, जिसे हम कहते हैं गेटवे। गेटवे का मतलब होता है एक नेटवर्क से बाहर निकलना और एक तरह के नेटवर्क को दूसरी तरह के नेटवर्क से जोड़े, जैसे स्विच को राउटर से जोड़ना, ये गेटवे का काम है। दो डिफरेंट तरह के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम राउटर करता है। तो आपको राउटर एंड पर दिख रहा होगा एक मोबाइल सेट है जो कि राउटर के पास सिग्नल्स को भेज रहा है। राउटर उसको गेटवे के पास भेजता है और गेटवे उसको स्विच के पास डेटा भेजता है, और स्विच उसको अपने आगे वाले नेटवर्क को जिस सिस्टम से ये डेटा रिसीव किया जा सकता है वहाँ से भेजता है। इस राउटर पे बहुत सारे पाथ हैं। राउटर के पास फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ और थर्ड पाथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और गेटवे के पास ऐसे ही बहुत सारे पाथ होते हैं। गेटवे दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट को भी जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर हम बात करें तो एक कंट्री के नेटवर्क को दूसरे कंट्री के नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है, और इसीलिए इसको हम गेटवे कहते हैं। फ्रॉम वन टाइप ऑफ नेटवर्क, एक तरह की कंपनी के नेटवर्क को दूसरी तरह की कंपनी के नेटवर्क से जो कि देश के बाहर बिलोंग करती है उससे भी जोड़ने का काम करता है। इसे हम गेटवे कहते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।